है मकर संक्रांति के नाम पर प्रसिद्ध है। तिल कुट खाएंगे, तिल ज्यादा है, तिल से कुटाया हुआ ए हाँ 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 देख देख लीजिए भाई तिलंगे मेरा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल नैन ब्लॉग्स में आप सभी लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सभी को। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करें, मस्ती करें और तिलकुट मस्त का दवा करें खाएं। तो आज का ब्लॉग स्टार्टअप हो रहा है। मम्मी आप देख सकते इधर में धान को भूंज रही है, तो मैं आपको सारा ब्लॉग में आज दिखाने वाला हूँ। धान कुट रहे हैं, चूड़ा ने कुटा रहा है, चूड़ा देवता पर बाबा जी पर चढ़ेला। ऐसे तो मिल में चूड़ा कुटा के खाने के लिए होता है, तब बाबा जी के मिल पर नहीं, मिल वाला नहीं खाने के लिए बाबा जी के शुद्ध होता है। कमल नैन ब्लॉग्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थ्री में से चूड़ा कुटा के निकल गई, फटा करके रख देते हैं। आलू दम बनेगा, इधर में फूलगोभी और प्याज के फोरन है, सभी भुंजा रहा है। देसी अंदाज में खाना बन रहा है। इधर में लकड़ी हो गया देख सकते, और गोईठा। अभी मटर छीमी का भी सब्जी होता है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसे बनता है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बने रहे लास्ट तक वीडियो में। दही और चूड़ा है सो दी है, मसाला पिसा के रेडी, आलू दम बन के रेडी हो गया सब्जी। तो आलू दम बन करके रेडी हो गया है देसी अंदाज में चूल्हा पर। मम्मी ऐसे बनाई है, प्रियंका जी मिल करके हैं भाई, नहा उहा के फ्रेश हो गए हैं, सब कपड़ा वपड़ा सब चेंज हो गया है और अभी छत पे हैं। और उधर में देख सकते हैं बबलू चा और पापा उधर में बैठे हुए हैं और मम्मी ऐसे उधर खाना को परस रही है चूड़ा दही वजन करने के लिए और तिलकुट इसमें भी धर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मम्मी ऐसे सब थाली में ना तिलकुट मस्का परस रही है, देख सकते हैं खाजा चूड़ा तिलकुट मस्का भूरा सब मिक्स करके भोजन करना है आज। नहीं देखिए भूरा है जो हो गया, गोरी का राज दीजिए ना नानी, दीजिए ना नानी। ये गोरी तुम नहीं, तुम भी खाएगी, इधर देखो इधर देखो, तू भी खाएगी, हो गया। मैं कमल नैन और चाचा हमारे बबलू चा और पिताश्री हमारे, ठीक है। तो अभी हम लोग दही चूड़ा खाने के लिए सब सना रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बबलू चा भी कुछ बोलेंगे और पिताश्री भी हमको कुछ बोलेंगे। हमको तो लगता है कि रोज रोज सकराते रह जाए, ठीक है। बबलू चा बोल रहे हैं कि रोज रोज सकराते रह जाए, ठीक है। देख सकते हैं अब खाने के लिए मांझिए, चलिए जगह बाबा नहीं मारिए, चलो पसंद रसोई दे दो, वो वाला बगल में निम्बा निकाल दे। दियो रे सकरात। तो खाने में कैसा लग रहा है? अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। देखिए
आलू दम का टेस्ट क्या है? देखिए इसमें 14 जनवरी मकर संक्रांति के नाम से सुप्रसिद्ध है, आज हमारे पूरे भारत में इसको धूमधाम से 14 जनवरी को मनाते हैं। ये है मकर संक्रांति के नाम पर प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोग आज इसको पूरे भारतवासी धूमधाम के साथ और सभी चीज़ से जितना भी इसमें मटेरियल मिला करके हम लोग एक साथ भोजन करते हैं। इसलिए सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 14 तारीख को मकर संक्रांति सब कोई मनाइए, कोई नहीं भूलिए, हर महा सब मना सकते हैं। खाइए पीजिए इसके लिए भैंसिया के दूध के हम दही जमाएंगे, तिलवा तिलकुट खाएंगे और संक्रांति मनाएंगे। चाहिए कि भुंजिया खा के जी भी लहराएंगे। तो हम लोग ऐसा खाना खा लिए हैं, चूड़ा दही तिलकुट मस्का पूरा। मैं पिताश्री और बबलूचा हमारे साथ मित्र मम्मी दोनों सिस्टर और प्रियंका जी सब मिल करके अभी खाना को खाने वाली। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहें। प्रियंका जी भी तैयार हो गई है और अब जा रही है। कहाँ जा रही है? खाना खाने। कौन खाना? चूड़ा दही दूध, चूड़ा दही तिलकुट मस्का सब कुछ ऊपर है छत पे। इधर रानी है, इधर छोटू है, इधर मम्मी है, इधर प्रियंका है, सब मिल करके देख सकते हैं अब चूड़ा दही का सबको ये खिला रहे हैं। हाँ तो देख आओ लगी। हाँ दीजिए। हैं बस करिए। नहीं बस तुम थोड़ा सा थोड़ा सा और तुम थोड़ा सा तुम बोलो ले लो। हाँ ले लो ले लो। चल ये देखिए चूड़ा दही जल्दी से खा के घास का। मेरे बेटी दोनों नतनी पुतो सब मिलकर खाना खा रही हूँ, चूड़ा दही मस्त भोजन कर रही है और आलू दम है, कलौंजी है, चटनी है, भुंजिया है, सब मिक्स करके भोजन आज कर रही है। तो तिलवा तिलकुट खाएंगे, दही चूड़ा मनाएंगे, भैंसिया के दूध के हम दही हम जमाएंगे, भैंसिया के दूध के हम दही जमाएंगे, तिलवा तिलकुट खाएंगे, मकर संक्रांति मनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देख सकते हैं मम्मी है सो एक सॉन्ग गा करके आप लोगों को मकर संक्रांति का बधाई देने का भी काम किए हैं। हमको ये जूठा खिला रही थी, हिमन से खिलाओ हमको। कौन बोला तिलकुटवा खिलाओ? तिलकुट तिलकुट भी खा ली। वो ले खाएंगे उधर में। हाँ वो दो लगे ये खिला दिए, हम देखिए खिला रहे हैं हम ये खिला दें। नुँगा। खाएगा ही खा जा। अच्छा इसको से सब की काहे एलर्जी है? वो मीठा क्या है? इसमें तिल ज्यादा है, तिल से कुटाया हुआ है। हमको लील का दी दो बाबू मेरा हर कुनिए मधी लगा रही है। अभी मैं खा लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह तो हम लोग है तो देख सकते हैं खा लिए सब कंप्लीट भोजन। सबको पेट भर गया ना? नहीं अभी कुछ कुछ खा ली अभी अभी बचेगा इसमें कुछ कुछ बचेगा भैया। हाँ चलो तो ये देख सकते हैं तिलकुट मकर संक्रांति। आज हम लोग पूरा फैमिली मम्मी पापा दोनों बहन प्रियंका नयन चचा बबलू चमारे सभी लोग धूमधाम से मकर संक्रांति को हम लोग मनाने का काम किए। और आप सभी लोग को फिर से अगेन मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर में खूब तरक्की करें
और अपने फैमिली में एक विचार व्यक्त करें कि फैमिली के साथ चूहा दही मनाने में कुछ अलग ही अंदाज होता है। सिंगल खाएंगे भाई व्यक्ति तो सिंगल ही हो पाता है, और समाज में खाता है, परिवार में खाता है तो भाईचारा बनता है, परिवार में एक विचार बनता है। तो आप सभी लोग फैमिली में लड़ाई झगड़ा हर जगह पे होता है, ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ रहना खाना पीना एक बहुत बढ़िया बात। तो आज है जो पतंग भी उड़ाया जाता है, तो हम आपको पतंग जा रहे हैं उड़ाने की, उधर में देख सकते हैं बलूचा प्रैक्टिस कर रहे हैं। चले हम उड़ान दे, तू टेंशन नहीं ला, उड़ियो। चले तो ये देख सकते हैं, देख सकते भाई मेरा तिलंगी कहाँ उड़ रहा है, देख लीजिए, वाह वाह शानदार, वाह हो देख लीजिए कहाँ एकदम ऊंचाई में दिख रहा होगा, देख सकते देख लीजिए भाई तिलंगी मेरा उड़ रहा है, देख लीजिए चढ़ गया माथा पर आज मन किया कि भाई लोग को तिलंगी उड़ा के दिखाते हैं। तो तिलंगी भी 1000 फीट लगभग ऊंचाई पे उड़ गया है, तिलंगी उड़ाया, कुछ जीवन में कुछ सीख मिला ये, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जिससे तिलंगी ऊंचाई जाने के लिए ना पहले ढीला देना पड़ता है, फिर उसके बाद मोड़ना पड़ता है, उसके बाद जो है आपका तिलंगी है जो ऊंचाइयों की ओर चढ़ता है। तो जीवन में भी उसी तरीका से है, जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो तिलंगी जैसा बन जाए। जीवन में सिर्फ वही व्यक्ति है जो आगे बढ़ सकता है जो निहूर के चलता है, तो झुक करके चल सकता है। तो बस आज का वीडियो है सो यहीं पे एंडिंग होगा, वीडियो यहीं पे एंड हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं गुड्डी है सो उड़ रहा है और हमारे हाथों में अब आ चुकी है काफ़ी, लगभग आज का जो तिलंगी उड़ाए पतंग जो उड़ाए भोजपुर है सो पार हो चुका था, लगभग 1500 फीट ऊँचाई, ठीक है 1500 फीट लगभग। वो भी है जो ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग हो रही है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फेसबुक पेज पे देखें तो पेज को फॉलो कीजिए। बस मिलते हैं फिर। ये भाई यहाँ पे गुड्डी है सो गिर गया और हमारे हाथों में है सो आ चुका है। बस आज का ब्लॉग है सो यहीं पे एंड करता हूँ, बहुत ऊंचाई में उड़ाया गुड्डी को। और चैनल पर पहली बार को सब्सक्राइब करें, फिर से अगेन चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पे देखते पेज को फॉलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कोई और वीडियो में। ओके बाय बाय।